फिल्म गली बॉय रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले ही इसके रैप काफी हिट हो रहे हैं, लेकिन अब रैप सिर्फ फिल्म में ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी चल रहा है। इसी गली बॉय के गाने आजादी पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। पहले कांग्रेस ने आजादी वाले गाने पर मोदी सरकार पर चोट करते हुए वीडियो बनाया, तो वहीं बीजेपी ने कुछ ही देर बाद इसका पलटवार करते हुए कांग्रेस को घेरा। बीजेपी और कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दल अब इस बात को अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अगर हिट होना है तो सोशल मीडिया का सहारा लेना जरूरी है। इसके लिए पार्टियां अलग अलग और दिलचस्प तरीके खोज रही हैं। इसी का ताजा उदाहरण है गली बॉय का रैप। इस आजादी वीडियो में कांग्रेस ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाए हैं। इसमें लड़कियों का पिंजरा तोड़ो अभियान, जस्टिस लोया केस, राफेल, गौरी लंकेश, नोटबंदी, जीएसटी, रोजगार, इन सारे मुद्दों को निशाने पर लिया गया है। कांग्रेस की सोशल मीडिया मैनेजर दिव्या स्पंदना ने पहले ये वीडियो जारी किया। बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें बीजेपी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जमकर घेरा। इससे पता चलता है कि बॉलीवुड की राजनीति के मैदान में कितनी गहरी पैट है। पार्टियां भी अपनी क्रिएटिविटी का शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। ये चीजें वर्तमान राजनीति को और दिलचस्प बना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएचबीसी न्यूज़।